उससे भी प्रॉब्लम माने बच्चे के ऊपर असर करता है। बच्चा बेचारा रात को उठता है, वो देखता है पेशाब किया तो बेचारा एकदम टेंशन में रहता है कि क्या करे। मगर जनरली बेड वेटिंग ये एक टेम्पररी फेज रहता है बच्चों में। इसका प्राइमरी भी और सेकेंडरी दोनों टाइप के रहते हैं, मगर जनरली जैसा वक्त गुजरता है वो बेड वेटिंग क्लियर हो जाना चाहिए और होता है। बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग करना चाहिए। अभी हम जब हमारे पास बेड वेटिंग का कोई कंप्लेन आता है तो हम माँ को यही समझाते हैं कि आप एक काम कीजिए, बच्चे को चिल्लाइए मत, बच्चे को मारिए मत। और अगर आप वो बच्चा सोने से पहले बच्चे को पेशाब करा के सुलाइए, रात को उसका पानी कम कीजिए, और आप सोने से पहले फिर से एक बार बच्चे को उठा के पेशाब कराइए। और आप में से अगर घर में कोई रात को अगर देर उठता है पेशाब करने तो बच्चे को उठाइए और फिर से उसको पेशाब कराइए, तो उसका पेशाब कराने से उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो वो भी चीज उसके लिए एक ये रहेगा कि मैं अगर पेशाब करता हूं या मैं नहीं माने बेड वेट कर रहा हूं तो मुझे बार बार उठना पड़ता है। मगर एक सबसे अच्छा चीज आजकल ना लाइफ एकदम इंसेंटिव बेस्ड लाइफ हुई है हमारी। मैं ये बोलता हूं कि जिस दिन आपका 15 दिन में एक बार भी अगर आपके बच्चे ने पेशाब नहीं किया तो उसके पसंद का चॉकलेट उसको दे दो, उसको वो एक चॉकलेट मिलेगा तो उसको एक इंसेंटिव रहेगा। तो ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं जिसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं है, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो यू हैव टू डू दैट। और उसके बाद फिर भी अगर बच्चा समझो 7 8 9 10 साल का रहा फिर भी पेशाब कर रहा है तो देन यू कैन गिव अ ट्रायल ऑफ ड्रग्स। इसमें ड्रग्स आते हैं, आप दे सकते हो, मगर जनरली जब तक आप ड्रग्स देंगे तब तक वो असर रहेगा। ड्रग्स बंद करेंगे फिर से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। सो सबसे अच्छा है कि बेस्ट यू ट्राई एंड ट्रीट इट कंजर्वेटिवली। इसलिए लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हेरिडिटरी है, माँ बाप करते थे तो बच्चा भी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जनरली द बेस्ट थिंग मम्स बिलीव दैट टाइम इज द बेस्ट क्योर, वक्त इंशाल्लाह उसको सही करता है। इसके बाद एक कंडीशन है फाइमोसिस। ये कंडीशन है जहां पेशाब की जो जगह रहती है बच्चे की वो आगे की जगह इतनी टाइट रहती है कि वो पीछे आती नहीं है, जिसके वजह से बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो सकता है और उसका जो पेशाब करने की धार है उसमें फर्क पड़ सकता है और बच्चे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम्स हो सकता है। और इसमें ये 2% मेल्स में होता है। ऑफ दिस 2% मेल्स 80-90% जनरली जो है वो दवाइयों से ही उसका इलाज होता है, मगर जिन लोग को नहीं होती दवाई उन लोग को फिर ऑपरेशन कर उन लोग को एक्चुअली क्या है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करके वो चीज क्लियर होता है। पैराफाइमोसिस है कि आगे की जो चमड़ी है पेशाब लड़के के पेशाब की जगह की वो चमड़ी पीछे आके वो टाइट हो जाती है आगे के जगह के बीच में। ये आपको मैं फोटोग्राफ में ये दिखा देता हूं, देखिए ये फाइमोसिस है, ये आगे का जो है फाइमोसिस में आगे का ये जो हिस्सा है ये पीछे नहीं आता है, तो यहां से जो पेशाब की धार है वो बराबर निकलती नहीं है, इसके वजह से ये एरिया में इन्फेक्शन होने का डर है। फिर ये पैराफाइमोसिस है, इसमें क्या है ये जो चमड़ी है ये नीचे यहां आ गई है और यहां अटक गई है, ये वापस नहीं जा रही है। तो ये कंडीशन हालांकि ये रेयर है, ये कॉमन है, मगर ये कंडीशन एक इमरजेंसी है क्योंकि यहां ये इतना टाइट हो सकता है कि इसके वजह से ये इलाके में पेशाब के जगह के ये इलाके में गैंग्रीन हो सकता है। सो दिस इज अ मेडिकल, इट इज एन इमरजेंसी। तो ये चीज एक हम देखे हैं कॉमन एक्सवे। अभी और एक जो कंडीशन है हाइपोस्पेडियास है। हाइपोस्पेडियास एक ऐसी ऐसी कंडीशन है कि जो पेशाब करने की जगह जो है वो नॉर्मल टिप ऑफ द पेनिस वहां होने के बजाय उसके अलावा कोई दूसरे जगह पे रहता है। अब ये सब इसके लिए ये अराउंड 0.5% में है। ये देखो ये आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं, ये नॉर्मल पेशाब करने की जगह हमारी यहां रहती है, मगर ये जो है हाइपोस्पेडियास में या तो यहां रहेगा, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, या तो यहां रहता है जिसको सेकेंडरी बोलते हैं, या तो यहां रहता है जिसको हम टर्शरी बोलते हैं। तो ये जो चीज है कि इसकी जो धार रहती है ये धार बराबर नहीं जाती है, जिसके वजह से बच्चे को ओवर पीरियड, ये देखो आपको देखो फ्लो आपको समझेगा, ये नॉर्मल जगह से नहीं निकल रही है, ये एबनॉर्मल जगह से निकल रही है। जनरली ये जो कंडी हाइपोस्पेडियासिस है इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी रहता है, और ये सर्जरी जनरली एक स्टेज में नहीं होती है, ये सर्जरी
3 महीने से 18 महीने के बच्चों में करना चाहिए, एंड इट इज डन इन स्टेजेस। एक टाइम पे ही पूरा सीधा नहीं होता है, उसको हिस्से में करना पड़ता है। अनदर कंडीशन दैट इज एनकाउंटर्ड इज हाइड्रोसील। बच्चों में हाइड्रोसील भी देखा जाता है कि जो गोटियां का हिस्सा है वो उसमें पानी भरता है, और इसको हमको डिस्टिंग्विश मालूम करना पड़ता है कि ये हाइड्रोसील पानी है क्या, ये एक किस्म का हर्निया है। हर्निया माने आंतों का हिस्सा गोटियों में आना, इसको हर्निया बोलते। तो वो खैर वो डॉक्टर ये करता है, मगर एक बेड साइड टेस्ट करने का रहता है, इसको हम ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट बोलते हैं, जिससे एक साइड से हम अगर लाइट डाले और वो पूरा बल्ब जैसा ऐसा इल्यूमिनेट हुआ तो समझ जाने का कि भाई ये पानी भरा हुआ है, ये हाइड्रोसील है। बच्चों में हाइड्रोसील देखा जाता है, अराउंड 2-3% बच्चों में हाइड्रोसील देखते हैं, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। अगर ये आहिस्ते आहिस्ते कम हो, जनरली कम हो जाता है, मगर इनकेस ये बढ़ता गया तो इसको डॉक्टर को दिखा के सर्जरी करने की जरूरत है, वरना इसमें फिक्र करने का नहीं। ये है अनडिसेंडेड टेस्टिस। ये जो चीज है कि गोटियां उतरी भी नहीं रहती है, इसमें देख सकते हो आप कि एक गोटी खा, एक यहां गोटी नहीं है, एक यहां ही गोटी है। इसके पोजीशन अलग अलग होते हैं, पोजीशन ऑफ टेस्टिस। जनरली गोटी यहां 60% बच्चों में, इसको हाई स्क्रोटल बोलते हैं। ये आहिस्ते आहिस्ते एक आध 6 महीने में साल भर में ये आहिस्ते नीचे आ जाता है। 25% जो है वो उसके रिंग में रहता है और 15% एब्डोमेन में रहता है। अब ये गोटियों का है कि जनरली इसको, ये वाले को इमीडिएट ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आहिस्ते आहिस्ते नीचे आ जाएगा, मगर स्पेशली ये और ये 15% वाले बच्चों में इसमें ऑपरेशन आगे चल के करना पड़ेगा। अगर एक गोटी गई है ऊपर तो नो प्रॉब्लम, जिंदगी में ये गोटी से उसको बच्चा हो सकता है, मगर अगर दोनों गोटियां उसके नहीं है और वो दोनों एब्डोमिन में है तो उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द इसलिए करना चाहिए क्योंकि गोटियों का टेम्परेचर जो है वो 1 से 1 डिग्री कम है, ठंडा है बनिस्मत एब्डोमिन के। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई सालों तक अगर वो गोटी इधर ही रही तो वो गोटी सड़ने का चांस ज्यादा है और हो सकता है कि उसको कभी बच्चा ही ना हो, क्योंकि गोटियां जरूरी है। और इन गोटियों को आगे चल के कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है इन बच्चों को। एम्बिगुअस जेनिटालिया, ये एक बहुत बड़ा मसला है माँ बापों के लिए कि उन लोग देखते हैं कि बच्चा पैदा तो हुआ है मगर जगह देखते हैं, अरे यहां तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़का है कि लड़की है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला रहता है माँ बाप के लिए कि क्या करना है इसके लिए, लड़का है या लड़की है। उन लोगों को समझ में नहीं आता है वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल। सबसे अच्छा है कि इसमें क्रोमोसोमल स्टडीज करना चाहिए, क्रोमोसोमल स्टडीज करके पता चल जाता है कि ये लड़का है कि लड़की है, और उस हिसाब से फिर आगे अगर समझो वो जगह जरा बड़ी रही और लड़की है तो जगह आगे का वो सर्जरी कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो जितने छोटे वक्त में, आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर उंड्रे एंड रॉयल सोसाइटी फॉर गिविंग मी दिस चांस। डॉक्टर ऋषि, थैंक यू वेरी मच। आज से कई साल पहले डॉक्टर उंड्रे ने एक कोकन की डायरेक्टरी पब्लिश की थी बहुत साल पहले, और सब कोकन के लोगों को एनकरेज किया था, एंड ही हैड सेड कि आपके बारे में डिटेल्स बताइए, प्लीज लेट एवरीबॉडी नो व्हाट यू आर। उस टाइम पे मैंने भी भरा था, मेरा भी नाम आया था उसमें, मगर मैंने एक मैसेज दिया था और मैंने खासकर बोला था प्लीज ये मैसेज दे देना, बट इट वॉज नॉट टाइप्ड एट दैट टाइम प्रॉपरली जगह का रेस्ट्रिक्शन की वजह से। आई एम जस्ट गिविंग दैट मैसेज टू ऑल ऑफ यू ऑल इफ यू डोंट माइंड डॉक्टर उंड्रे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। टर्न टू गॉड, बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। And may I request our next speaker? He is not a medical person. He is Mr. Saeed Akhtar. He is a senior advocate of High Court of Mumbai. He is a professor of law, an examiner of law, and he is an ex-officer of FERA. So, यहाँ पे कोई अगर FERA में वगैरह होगा तो बाद में उनको consult कर सकते हैं. But what is interesting about Vakil Saab, Mr. Saeed Akhtar Saab, is that you know, आजकल what I have observed is that people don't really send their children into medical field. बहुत लंबा education है, बहुत मुश्किल education है,
बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि डॉक्टर साहब के सारे ही फैमिली मेम्बर्स, उनकी लड़की, उनका दामाद, सब डॉक्टर्स है. तो लेट अस वेलकम एडवोकेट साहब टू गिव अस गाइडलाइंस अबाउट लॉ एंड द किडनी. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मैंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट का लेक्चर दिया तो आपने देखा कि परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अपन अगर इसमें कुछ गलती हो गया तो बहुत बड़ा पेपर में नाम झलक जाता है गलत चीज़ों के लिए आपका. तो लेट अस फाइंड आउट कि क्या करना चाहिए ताकि ये नहीं हो. हाजरीन जलसा, आदरणीय डॉक्टर साहिबान, एमेरिटस प्रोफेसर डॉक्टर हुंदरे, आज मैं उनका नया नाम दूंगा, वो इस शहर के शेकर और मूवर्स भी हैं. ऐसी ऐसी इनोवेटिव चीज़ें लाते हैं कि दिमाग के चूल्हे हिल जाती हैं. और जो उन्होंने जमा किए हैं डॉक्टर्स, ये सब महात्मा लोग हैं, इसलिए जो बातें आपने सुनी वो इसी नज़रिए से थी कि कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं. डॉक्टर साहब जो यहाँ मौजूद हैं, जब उन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई शुरू की होगी या एडमिशन लिया होगा, तो हो सकता है कि उस ज़माने में डोनेशन नहीं दिया हो या रिश्वत ना दी हो एडमिशन लेने के लिए. अब जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने परसेंटेज या अपनी मेहनत के हिसाब से आए हों, इसलिए उनको इस बात की फिक्र होती है कि मुझे पैसे भी खींचने हैं, सिर्फ खिदमत नहीं करनी है. जैसे ही ये ख्याल आपके पास आया कि लॉ का इन्फोर्समेंट शुरू हो गया, इसीलिए जहां डॉक्टर साहबान ने यह कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यह चीज हमारे यहां लॉ में भी एप्लीकेबल होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. होता यह है कि इंसान का जो दिमाग है वो इतना फर्टाइल और इतना सोच वाला है कि वो नई नई चीजें पैदा करता है, किस तरह से पैसे कमाए. और पैसा कमाने का मकसद लोगों की खिदमत नहीं है आजकल, ये आप ध्यान रखिए, सिवाय डॉक्टर उंद्रे साहब को छोड़ के या जो डॉक्टर साहबान यहाँ मौजूद हों, कि डॉक्टर साहब अपनी तमाम इनकम जो है और तमाम उम्र जो है वो स्कूल और बच्चों को एजुकेशन देने में है, वरना डॉक्टर साहब भी अपना एतवार ना बर्बाद करते हुए, डॉक्टर कपूर साहब का, डॉक्टर लीले साहब का एतवार ना बर्बाद करते हुए कहीं इंजॉय कर रहे होते, कहीं अपने 5-स्टार होटल में बैठ के किसी के साथ खा रहे होते. तो जब ये चीज़ें शुरू होती हैं तब ये कानून ज़रूर शुरू हो जाता है. और कानून जो है हमेशा दो चीज़ों के लिए होता है कि किसी चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. इस लिहाज से महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र किडनी ट्रांसप्लांट एक्ट 1982 में बना. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट एंड टिश्यूज एक्ट 1994 बनाया, जो 2011 में उसका पूरा अमेंडमेंट हुआ और 2014 में उसके रूल्स बने. डॉक्टर देशपांडे साहब ने जब आपको स्लाइड दिखाई, उसमें एक ही चीज़ थी जो उनको उस स्लाइड से निकाल देना चाहिए कि डोनर का खर्चा जो होता है वो 40,000 रुपये, उन्होंने बताया इस चीज़ को. और यही चीज़ जो है लॉ ये मना करता है कि आप नहीं दे सकते, पैसे से किडनी नहीं खरीदी जा सकती, डोनर को आप एक पैसा नहीं दे सकते. क्योंकि जैसे ही कमर्शियल एलिमेंट आया या पैसे की सूझबूझ लेन देन कहीं आया, वो आपका कानून लागू हो जाता है. और जो डॉक्टर इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ मैं आपको बताऊंगा 6 किस्म के प्रोसीडिंग्स लॉन्च होती हैं. इसलिए कानून जो है वो उस चीज़ को पकड़ता है कि ह्यूमन बॉडी का कहीं कमर्शियल यूज़ तो नहीं हो रहा है. ये आपने एक्ट, मैंने आपको बताया 1994 और 1982 का. अभी जो नया एक्ट जिसको पार्लियामेंट के बिल की शक्ल में मौजूद है वो है सरोगेसी बिल,
कि जो औरतों का जो वोम्ब है सरोगेट मदर के लिए वो रेंट आउट करके पैसे दिए जाएंगे। तो अभी जो बिल पड़ा है उसमें औरत का एक जिस्म का हिस्सा अगर किसी चीज के लिए दिया जाता है तो कानून उसके लिए बोलता है कि उसका पैसा कमाया जा सकता है। आप सोच देखिए कैसे जा रही है। तो कानून जो है वो आपके पूरी सोसाइटी को गवर्न करता है। इस सिलसिले में तीन कैटेगरीज होती हैं, मैं आपको सिर्फ किडनी तक कन्फाइन करता हूं, बाकी दूसरे नहीं लेता चूंकि आज किडनी का टॉपिक है। तीन किस्म के डोनेशन दिए जा सकते हैं। एक, उस आदमी की जिंदगी में वो क्या ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैं देना चाहता हूं इनको, उसको लिविंग डोनर बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी हुई कि वो आदमी विश करता है कि मेरी इंतकाल के बाद ये किडनी दे दी जाए, जहां डॉक्टर साहब लोगों ने आप लोग को अपील की कि भाई आपके किडनी जलाई नहीं देना चाहिए या गाड़ नहीं देना चाहिए, वो किसी न किसी को दे देना चाहिए। ये सेकेंड कैटेगरी में आता है। थर्ड कैटेगरी में आता है कैडावर। उसकी मौत के बाद या तो जो लोग उसके जिम्मेदार हों कि भाई ये लाश पड़ी है उसको दे दिया जाए, या आपका जो सर्जन है, आपका ये जो अथॉरिटी है जो ऑपरेशन करते हैं जिसके कॉज ऑफ डेथ रहते हैं, उसको नाम जरा भूल रहा हूँ उसका, डॉक्टर साहब बताइए वो सर्जन, नो द मैन हु परफॉर्म द ऑपरेशन आफ्टर द डेथ टू फाइंड आउट द कॉज, पोस्टमार्टम, हु इज द इंचार्ज, कोरोनर। सो द कोरोनर जो है वो इस बात को इजाजत देता है कि इसकी किडनी रिमूव की जाए। अब आप सोचिए कि ह्यूमन माइंड कहां फर्टाइल रहता है। जो आदमी हो सकता है कि लास्ट राइट परफॉर्म करने जा रहा है उसको आप लाश सौंप देते हैं, हो सकता है वो ऑर्गन निकाल ले, तो कानून ये कहता है कि उसको भी अथॉरिटी नहीं है कि निकाल ले। कानून की बारीकियां देखें कैसे पकड़ती जा रही है। आज बहुत साल पहले मैं खुद एक केस के बारे में जानता था, वो कंपाउंडर था, और यहां डॉक्टर साहब लोग जो मौजूद हैं, डॉक्टर राउत नाम था उसका, और वो शख्स कंपाउंडर होने के बावजूद भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मास्टरमाइंड माना जाता है बॉम्बे के अंदर। और तरीकेकार ये होता था कि सेंटा क्रूज से या इंटरनेट, उस वक्त तो सेंटा क्रूज से ही रिपोर्ट हुआ करता था, दूसरा था भी नहीं, वहां से अरब या जो पेशेंट्स आते थे बाहर के वो सीधे उसके हॉस्पिटल में चले जाते थे और किडनी ट्रांसप्लांट होके सीधे वापस एयरपोर्ट। यहां किसी को कौन खबर भी नहीं होती थी कि क्या हुआ। ये आपके 1994 के कानून आने के पहले, वो बाद में उस बहुत पैसे बनाया, आदमी चला भी गया यहां से। कहने का मकसद ये है कि कानून जो है वो आपको उस जगह पकड़ता है जहां ह्यूमन बॉडी का कमर्शियल यूज होना शुरू होता है। अब क्या किया जाए जब आपके कैटेगरीज हो गई, तो लिविंग पर्सन किसको देगा? अपने रिलेटिव को दो तो इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं है। रिलेटिव्स में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कौन से इमीडिएट रिलेटिव आते हैं, माँ बाप बहन भाई बच्चे, ये इमीडिएट रिलेटिव हो गए। तो अगर डोनर और रिसिपियंट, जो देने वाला है और जो जिसको किडनी दिया जाता है, वो दोनों आपस में बहुत गहरा रिश्ता रखते हैं, तो इतनी फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं होती। इस बारे में 2011 में लॉ भी बनाए गए, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने ये एक मारिया नाथर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में गाइडलाइंस लिखी गई कि जहां नियर रिलेटिव हो तो आप डॉक्यूमेंट्स का इंसिस्ट मत कीजिए। तो जहां रिलेटिव हो इतने मुश्किल नहीं पेश आती, लेकिन एक ऐसा जो गैर रिश्तेदार है जो देना चाहता है किडनी किसी और को, उसका लिए, उसके लिए बड़ी मुश्किल है। तो सरकार ने कानून ये बनाया है जिसको डॉक्टर देशपांडे साहब ने गवर्नमेंट कहा, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन कमेटी। उस ऑथराइजेशन कमेटी को ज्वाइंट एप्लीकेशन करती है डोनर और डोनी। अब आप अपने हिसाब से सोचिए कि सिर्फ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए क्या क्या चीजें सोची जा सकती हैं। ये आदमी क्यों दे रहा है, वजह,
क्या इसमें पैसे शामिल हैं? अगर वो ये कहता है कि मेरे ये पुराने एम्प्लॉयर हैं, या मैं इनकी बड़ी खुदमत गुजार हूँ मैं, या शुक्रगुजार हूँ, क्या वजह है कि ये आदमी डोनर इनको किडनी देने के लिए तैयार हो गया है, तो उसकी इंक्वायरी होती है, उसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, क्या उसके पास फोटोग्राफ है, और दोनों की इनकम का प्रूफ भी लिया जाता है पिछले 3 साल का, कि ऐसा तो नहीं कि एक आदमी जो डोनर है वो बेचारा बहुत गरीब है और वो पैसे की वजह से उनके पास से पैसे ले रहा है जो करोड़पति आदमी है। तो तमाम जो चीज़ें उसके अंदर लवाजमात या कानूनी चीज़ें होती हैं वो स्क्रूटनाइज की जाती है कमेटी से। जब कमेटी को ये लग जाता है कि नहीं ये चीज़ सही हो रही है, इसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं है या पैसे का लेन देन नहीं है, तो वो उनको परमिशन दे देती है। इसमें बहुत सारे जजमेंट्स आए, बहुत से हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन में ऐसा जजमेंट पास किए जहाँ ऐसा लगा कि स्क्रूटनी कमेटी जो है वो सही नहीं है, ऑथराइजेशन कमेटी नहीं सही बैठ कर रही है, तो हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उनको परमिशन दी या उनको डायरेक्शन भी दिया कि ये आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में डिसाइड कीजिए। उस हिसाब से उनको परमिशन मिली और किडनी ट्रांसप्लांटेशन दिया गया। अब हमारे यहाँ बैन अल-अक़वामी चीज़ें होती जा रही हैं। अब सवाल यह है कि एक फॉरनर आया, उसने साहब मुझे किडनी चाहिए, क्या उसको किडनी दिया जा सकता है? तो रूल के हिसाब से किसी भी फॉरनर को किडनी नहीं दिया जा सकता। सिर्फ एक्सेप्शन जहां होगा कि फॉरनर और जो रिसिपिएंट या डोनर हैं हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें से एक फॉरनर है एक इंडियन ओरिजिन है, उसके तमाम लवाजमात हैं, उसके फॉर्मेटिंग है, उसका परमिशन दी जा सकती है। लेकिन सिर्फ अगर फॉरनर को देनी है तो नहीं दिया जा सकता, यह कानून है। अब इस कानून को तोड़ा जाए तो उन डॉक्टर्स को जिन्होंने डोनेशन से पैसे जमा करने का ठाना हुआ है कि हमने डोनेशन वापस हासिल करना है, उन डॉक्टर्स को या ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है बावजूद उसके वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, 6 किस्म के केसेस उनके खिलाफ दाखिल किए जा सकते हैं। नंबर 1 कंज्यूमर कोर्ट में, नंबर 2 ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट जो बना है उसके तहत, क्रिमिनल नेग्लिजेंस इंडियन पिलन कोड के तहत, सिविल केसेस और सिविल केस, क्रिमिनल केस और टोहा मतलब ट्रांसप्लांटेड ह्यूमन ऑर्गन्स मेडिकल काउंसिल, 6 आपके रेमेडी उसके खिलाफ अवेलेबल है। और आप यकीन कीजिए कि वो हो सकता है डोनर या रिसिपिएंट को इतनी ज़्यादा फिक्र ना हो, लेकिन आजकल हमारे यहाँ एक नए लोग भी निकले हैं, एक नई चीज़ भी निकली जिनको NGOs कहा जाता है। ये वो शख्स हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी में कहीं नहीं है, ये किसी को अकाउंटेबल नहीं है, लिहाजा ये सोशल वर्क करने खड़े हो जाते हैं और वो डॉक्टर्स को एक्सप्लॉयट करना शुरू करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम ये केसेस आपके खिलाफ फाइल करेंगे, और इस तरह से ब्लैकमेलिंग होती है। डॉक्टर साहब लोगों को मालूम होगा एक IAS ऑफिसर थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े और अल्टीमेटली डॉक्टर साहब को मेरे हिसाब से कम उनको 15 से 25 लाख रुपए देना पड़ा। डॉक्टर साहब के लिए पैसे देना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी खराबी ये होती है एक आदमी का जो डॉक्टर है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ह्यूमन लाइफ को बचाने की कोशिश की है, उसका अरेस्ट होना। अगर वो गुनाह नहीं किया है उसके बावजूद अरेस्ट होना, उसके लिए सबसे बड़ी खराबी है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट में उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड किए हुए हैं कि आप डायरेक्ट कंप्लेंट उनके खिलाफ नहीं दाखिल कर सकते, ऑथराइजेशन कमिटी को ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा अगर डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल आपको करनी है तब, और ऑथराइजेशन कमिटी ये तमाम कागजात देखती है कि क्या कंप्लेंट किस किस्म की है, तभी वो उसको परमिशन देती है। दूसरी कैटेगरी में कंप्लेनेंट खुद अगर चाहे, मान लीजिए ऑथराइजेशन कमेटी नहीं प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना चाहती, नहीं करना चाहती है,
तो वो एप्लीकेशन करता है या नोटिस देता है 60 दिन की। उस 60 दिन के अंदर ऑथराइजेशन कमेटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमको इनको इजाजत देनी है केस करने के लिए कि नहीं। और अगर इजाजत दी गई और वह शख्स कोर्ट में गया तो कोर्ट के अंदर इस बात का हकदार होता है कि वो तमाम कागजात जो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास हों वो उसको कोर्ट के अंदर दाखिल करें। तो इस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं। पनिशमेंट के तौर पे जो लॉ जो ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन्स है उसमें पनिशमेंट यह है कि अगर आपने कमर्शियल यूज किया उसका तो 5 से 10 साल तक की सजा है और 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन है। दूसरे वायलेशंस में जिसमें एक्ट के अंदर है उसमें 3 से 5 साल सजा है और 10 लाख रुपए फाइन है। इसलिए कैटेगरीज बताई गई हैं कि किस किस्म के गुनाह के लिए क्या है, कहां कंप्लेंट होगी। उसके लिए कहा यह गया है कि मैजिस्ट्रेट के जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हो या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो उसके अलावा दूसरे कोर्टों में आप कंप्लेंट दाखिल नहीं कर सकते। तो ये तमाम बातें इसलिए बताई गई या लॉ इसलिए लाया गया कि ह्यूमन ऑर्गन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। जेकब मैथ्यू के केस में